एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये फूड का भी होने वाला है और थोड़ा सा ना जैसे मैं बीच दिखाना भूल गई थी पिछली वीडियो में, तो बीच का भी होने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे हम आए हैं काबो दे रामा। काबो दे रामा में रेड क्रैब आए हैं हम, और यहाँ पे पहले जो हमने आपको बीच हट्स दिखाए थे, तो इस बार बीच हट्स तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि रिपीटेड चीज़ तो क्या ही सेंस है दिखाने का, बट मैं आपको दिखाऊंगी इधर नीचे बीच का रास्ता। ऑब्वियसली अभी भी मैं बीच पे ही खड़ी हूँ, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके एक बार देखेंगे, और उधर ही हम डिनर भी करने वाले हैं। तो इधर का खाना वाना सारा कुछ टेस्ट वगैरह सब मैं बताऊंगी आपको, और सनसेट व्यू भी इधर हम लेने वाले हैं। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं ऊपर चलते। तो ये है नीचे आने का रास्ता, और यहाँ से अभी हम चलेंगे ऊपर। तो नीचे का लास्ट टाइम हमने दिखाया नहीं था, और मोनिका बैठी हुई थोड़ी बिजी है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ अभी ब्लॉग मोनिका का। और ये देखो ऊपर सन। तो ये पूरी जो बीच हट्स का ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपको मिलेगा फूड एंड स्टे पर, ऊपर आइकन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इधर से चलते हैं ऊपर, ब्यूटी बहुत है यहाँ पर। Thank you.
तो ये अपना खाना आ गया है और अभी मोनिका कर रही है सर्व। समुंदर है इधर, ये फिश है, देखना मत कि मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है ढंग से। हाँ, और इधर ये क्रैब, तो क्रैब तो हमने सब का कर दिया है सर्व, जितना होना था। चलो होगी, फिश भी होगी जितनी होनी थी, बस ये हो गया है। तो अभी खाते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं टेस्ट आपको। तो फूड हमारा हो चुका है सर, और पहले खाते हैं और टेस्ट बताते हैं। ये पहले रेड स्नैपर करता हूँ। अच्छी है, ग्रिल्ड है अच्छे से। पैन फ्राइड है, ग्रिल्ड नहीं है। एकदम मस्त बनाई है, क्रैब और एकदम सॉफ्ट है। और करा दी है ऊपर से। हाँ, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से करारी। और ये ना क्रैब खाना सीखना पड़ेगा, ये आता नहीं भाई। कैसे तो ऐसे हम हैं? गलत भी खा रहे हो तो मत करना ऐसा, मतलब कि कैसे खा रहे हो, आपको तो आता नहीं। यहाँ की लोकल पब्लिक हेल्प करे। हाँ, बताने में एग्जैक्टली वो देना अरविंदर जो इसको तोड़ने का रहता है। ये लो निकल गया क्रैब। ऐसे नहीं वो उसका शेल ऊपर से ब्रेक करना पड़ता है। उसको ब्रेक करेंगे ना उसके अंदर मार कर, ये ऐसे कुछ करना ना। जी नहीं, उसका जो खड़ा पार्ट है ना, पॉइंटेड। हाँ, वहाँ से लगे। वाह, परफेक्ट। हाँ, ये आया ना, कुछ तो आया। ये भी देना, ये लो पता। तो मसाला बहुत जबरदस्त करना है। हाँ, ये ना गोवन कोकोनट मसाला है। ये जो क्रैब है गोवन कोकोनट मसाला में बना हुआ है। रेड ये है, ब्लैक क्रैब। मसाला टेस्टी है, मस्त है इसका टेस्ट। क्या करना है, तो सेंटर में मोनिका तो करना, कर दो बंद कर अच्छा दो। अच्छा लग रहा है, आप खाओ पारी। अच्छा लग ये एकदम। मुझे ये भी रेड स्नैपर भी अच्छी लग रही है। मुझे ये रेड स्नैपर सिलो 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 क्रैब अच्छा लगा। वो लोग भी बैठे। और ये ना क्रैब और रेड स्नैपर दोनों हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किए। राइट, बहुत टेस्टी है। इसमें से ना प्रॉन जैसी स्मेल आती है। वही। हाँ, महंगा बहुत आता है। हाँ, पता है। बस तोड़ना हार्ड है, बाकी अंदर का बहुत टेस्टी है। तोड़ना मतलब इसको दिया ही ऐसे कि चखने की तरह खाओ तुम। स्लो स्लो खाओ। तो खाना तो हमारा हो चुका है, और सच में दोनों चीज़ें हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट की थी और दोनों ऑसम थी। मुझे स्पेशली क्रैब में जो गोवन मसाला था वो बहुत 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 पसंद आया, और रेड स्नैपर हम सब ने ही फर्स्ट टाइम ट्राई की थी तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई। और लोकेशन तो ऑसम है ही, ये लोकेशन के तो क्या ही कहने, मतलब सनसेट तो यहाँ का बेस्ट है। और नीचे जो प्राइवेट बीच टाइप होता है वो तो, मतलब कई लोगों को तो लगता है कि वो ना सिर्फ जैसे मैगजीन्स के लिए लोकेशन है, सच में ऐसी कोई लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट सच में है। आप इधर आओगे तो आप एंजॉय करोगे उसको। और मैं तो बोलूँगी कि अगर आप गोवा आते हो तो एक बार इधर ज़रूर आओ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे। और बाकी यहाँ के जो कॉन्टैक्ट हैं, एड्रेस है, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और जो पिछली वीडियो थी जो इनकी हट्स की हमने बनाई थी, वो भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, मैं आई बटन में भी दे दूँगी। तो फिर चलो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में।